Hello and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I am here with a very important and interesting topic from which both theoretical and numerical question come in NEET exam. अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि नीट का डेट फिक्स हो गया है, दैट इज 12th of September, एंड जो न्यू पैटर्न है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। सो अब किसी चीज का कोई आपको कमी नहीं रखना है, अपना 100% दो। बस ये 2 मंथ है आपको मेहनत करना है, उसके बाद आप लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड लेट अस बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज डीपीडी। इट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, इट इज इक्वल्स टू SP, विच इज द सक्शन प्रेशर। सिंपल भाषा में बोलू तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू एब्जॉर्ब वॉटर। जिसके पास वॉटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उस सेल का डीपीडी ज्यादा होगा। इसका एक फॉर्मूला है DPD इक्वल्स टू OP-DP। अब आगे मैं ये बताऊंगी पर पहले सिर्फ इसको देखते हैं DPD, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट अस टेक 2 cells, सेल ए एंड सेल बी। इस सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेल बी। जिस सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उधर ही क्या होगा, वाटर की कमी होगी, तो यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ज्यादा होगा। कोई भी सॉल्वेंट है, इसको सॉल्वेंट के अंदर डाला है, या यू कैन टेक वाटर विच इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा वाटर जो है ये एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन कम है। सो ज्यादा से ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा सॉल्वेंट को, और यहाँ पर सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम है इसका मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो इतना इसको सॉल्वेंट जो एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर DPD जो है सेल ए का ज्यादा है सेल बी से, ठीक है। अगर हम मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर की बात करें तो ये कौन से सेल से कौन से सेल में होगा, आपको मालूम है हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में होगा। इन में से जहां ज्यादा सॉल्वेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ज्यादा था इसलिए कम सॉल्वेंट अब्सॉर्ब होगा। देखा जाए तो यहाँ पर DPD क्या है, DPD यहाँ पे कम है, DPD यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर हम DPD के रिलेशन में देखें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लो DPD से हाई DPD में हो रहा है, मतलब कि सेल बी टू सेल ए, ठीक है। आप देखो ये भी देख सकते हो कि DPD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसेंट्रेशन। दोनों सेल में से सोल्यूट कंसेंट्रेशन ए में ज्यादा था तो इसकी DPD भी ज्यादा हुई। आप डायरेक्टली भी ऐसे देख सकते हो, ठीक है। सो मूवमेंट का जब बात आएगा तब लो DPD टू हाई DPD, इसको आप कंफ्यूज मत करना, लो DPD टू हाई DPD जो है वाटर का मूवमेंट होगा। TP is equals to Psi P, which is the pressure potential, and osmotic pressure is also equals to Psi S, that is the solute potential, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक सेल है, ठीक है, इस सेल को हमने रख दिया है वाटर में या किसी सॉल्वेंट में। अब धीरे धीरे वाटर अंदर जाएगा, ठीक है, वाटर अंदर जाएगा और फिर ये क्या होगा, ये सेल जो है वो फूलने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल आपने किशमिश को क्या किया, पानी में डाला, और मॉर्निंग में क्या हो जाता है, वो किशमिश जो है वाटर सोक कर लेता है, वो फूल जाता है। सिमिलरली धीरे धीरे जब वाटर इस सेल के अंदर जाएगा तो ये सेल भी फूलने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब और इसको इसके अंदर वाटर नहीं जाना चाहिए, इसने जितना इसकी कैपेसिटी थी उतनी वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब वाटर अंदर और ना जाए इसके वजह से जो अंदर का सेल सेप है वो इस वॉल में एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये दोनों सेम ही होता है क्योंकि ये सेल टर्जेड हो गया है, फूलने का मतलब कि अब ये सेल जो है टर्जेड है, तो ये टर्गर प्रेशर होगा। टर्जेड सेल का सेल सेप जो है वॉल पे टर्गर प्रेशर लगाता है, और इसको अपोज करने के लिए मतलब इस प्रेशर के इक्वल एंड ऑपोजिट, अब ये वाटर अंदर ना जाए इसके लिए क्या है, ऑस्मोसिस को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए कि एक
ऑस्मोटिक प्रेशर इधर पर लगेगा, ठीक है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोसिस को अपोज करेगा। तो आपको ये सब टर्म अभी क्या हुआ, क्लियर हो गया है। सो आप देखते हैं एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर, ये है सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया वैक्यूल, और वैक्यूल का जो है मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। आप लोगों को ये क्या है, टिपिकल एक सेल का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इज सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। अब जो सेल का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकता है उसको मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर इस सेल को मैंने क्या किया, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा और वाटर क्या होगी, इससे बाहर निकलने लगेगी, ठीक है, सॉल्वेंट जो है सेल से बाहर मूव करने लगेगा। तो अब क्या होगा, सेल देखो पहले एक नॉर्मल सेल था, ठीक है, वाटर उससे निकला, और वाटर निकला इससे, तो ये मेम्ब्रेन एकदम श्रिंक हो जाएगी, एकदम अंदर चल जाएगी, ठीक है, और ये जो वाटर, और ये वाला तो आपने देखा ही था, इस कंडीशन में क्या है, वाटर इनटेक हो रहा है, वाटर जब अंदर जा रहा है तो सेल क्या बन जाएगी, टर्जिड, ये हो गया टर्जिड सेल, ये हो जाएगा फ्लैसिड सेल, ये हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक है। अच्छा मैं एक साथ ही लिख देती हूँ तो आप लोगों को क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना देती हूँ टारगेट, ये क्या हो गया टारगेट, ठीक है, ये हो गया टारगेट सेल। यहाँ क्या हुआ, जब सेल के अंदर H2O गया और जब नॉर्मल सेल से H2O बाहर निकलता है तो फ्लैसिड सेल बनता है, और वाटर बाहर निकलेगा तो प्लाज्मोलाइट सेल बनता है, ठीक है। आपको तो पता ही है इसमें टर्गर प्रेशर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके बाद फ्लैसिड, अगर नॉर्मल सेल से इधर जाएंगे तो टर्गर प्रेशर होगा, ठीक है, टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू क्या था, यहाँ पे टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर था। नॉर्मल सेल से जब वाटर निकाल देंगे तो क्या बनेगा, टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा, और अगर इसे निकाल दिया तो टर्गर प्रेशर जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, फ्लैशिड सेल में टर्गर प्रेशर जीरो होता है, प्लाज्मोलाइट सेल में टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है। अगर हम डीपीडी देखें टर्जिड सेल का, देखो टर्जिड सेल में क्या होता है, ओपी इज इक्वल्स टू टीपी। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा टर्जिड सेल में उतना ही क्या होगा, टर्गर प्रेशर लगेगा, इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, ठीक है, ये सब एक ही होता है टर्जिड सेल के लिए। तो जब फॉर्मूला में रखेंगे डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, हेयर टीपी इज इक्वल्स टू ओपी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, टर्जिड सेल का डीपीडी इज जीरो। अब सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे फ्लैसिड सेल में टीपी क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे फ्लैसिड सेल है, टर्गर प्रेशर जीरो हो रहा है, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, पुट टीपी इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमें मिल जाएगा डीपीडी इक्वल्स टू ओपी। नाउ लेट अस सी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज सेल में आप लोगों को यहाँ पे पता ही चला कि टीपी जो है नेगेटिव होगा, टीपी इज नेगेटिव, टर्गर प्रेशर इज लेस देन जीरो, नेगेटिव में है, फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो टीपी नेगेटिव आ जाएगा और फाइनली प्लाज्मोलाइज सेल का डीपीडी हो जाएगा ओपी प्लस टीपी। सो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है यहाँ कंप्लीट हो गया, हमने तीनों टाइप के सेल्स का जो है डीपीडी देख लिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स नीट में कॉमनली आते हैं। लेट अस बिगिन द न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज शो द मूवमेंट ऑफ वाटर। हमें दो सेल दिया है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रेशर पोटेंशियल दिया है। अब वाटर कौन से सेल से किस में करेगा वो हमें देखना है। देखो, हम वाटर का मूवमेंट को देखने के लिए दो उससे निकाल सकते हैं,
या तो हमें वाटर पोटेंशियल मालूम हो या तो हमें डीपीडी मालूम हो। अगर हम वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो इस केस में हाई वाटर पोटेंशियल टू लो जो है वो मूवमेंट होगा। अगर हम डीपीडी देखें तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जो है वो ट्रेवल करेगा, मूव करेगा वाटर। ठीक है, तो डीपीडी का फॉर्मूला क्या है? डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। यहाँ पे ओपी दिया हुआ है, टीपी नहीं है, बट रिमेम्बर उसमें मैंने बताया था कि प्रेशर पोटेंशियल इज टीपी ओनली। तो इसमें रखकर देखते हैं सेल ए का कितना निकलेगा। ओपी इज माइनस 18, टीपी इज प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 26। इसमें देखेंगे तो डीपीडी कितना आ जाएगा, ओपी माइनस प्रेशर पोटेंशियल या टारगेट पोटेंशियल, तो इसमें आ जाएगा माइनस 18। सो अभी डीपीडी आपको मिल गया ए का ये है और डीपीडी जो है सेल बी का माइनस 18 है। तो हमने डीपीडी के टर्म्स में निकाला है तो लो टू हाई, सो लो टू हाई, ये लो डीपीडी है, ये हाई डीपीडी है, सो मूवमेंट क्या हो जाएगा, सेल ए टू सेल बी विल बी द मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। हम लोगों को तीन सेल दिया है, यहाँ पे हम लोग को साई एस एंड साई पी दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर निकालना है। इसमें हम देखो, चलो चलो इसे निकाल के देखते हैं। साई डब्ल्यू से, साई डब्ल्यू क्या होता है, साई डब्ल्यू इज साई एस प्लस साई पी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है तो प्लीज इसे लिख कर याद कर लेना, बिकॉज इस पे भी न्यूमेरिकल जो है आते हैं। तो हम एक्स का निकालते हैं, फॉर एक्स साई डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इसमें साई एस दिया है माइनस 10 प्लस साई पी इज 5, तो इसका निकल जाएगा माइनस 5। ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई कैट। अब क्या होगा, हम उसका देखते हैं y के लिए। फॉर y साई डब्ल्यू इज, y में दिया है साई एस इज माइनस 15 एंड साई पी इज 10, और सॉरी साई, हाँ साई पी इज 10, सो इट विल बिकेम माइनस 5। एंड z के लिए अगर हम देखें तो साई डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है साई एस इज 1 एंड साई पी इज, सॉरी साई एस इज 7 माइनस 7 एंड साई पी इज 1, सो इट इज दिस। ठीक है, और हमने देखा था कि, मतलब मैंने बताया है आगे कि अगर हम वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में देखें तो हाई टू लो होता है, हाई टू लो जो है वो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स है, एक वाई है एंड एक जेड है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का जो है वो कितना निकला, हम लोगों का एक्स का निकला है माइनस 5, साई डब्ल्यू निकला है, जेड का निकला है माइनस 6 एंड वाई का है माइनस 5। तो ये सारे जो है हम लोगों का मिल गया वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में मूवमेंट देखेंगे तो हाई टू लो होगा, सो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ होगा, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अगर डीपी के भी आप यहाँ पे डीपी के उसमें भी करते हैं तो अगर सेम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम वहां पे जो है बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डीपीडी ऑफ अ फुल्ली टर्जिड सेल, ऑफ अ फुल्ली टर्जिड सेल। तो डीपीडी का फॉर्मूला क्या है, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। यहाँ पे क्या है, टर्जिड सेल है, और टर्जिड सेल में क्या होता है, टर्जिड सेल में ओपी और टीपी जो है सेम हो जाता है, सो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हमें डिफिकल्ट लग रहा है बट ये इजी है, आप लोगों को करके पता ही चल गया होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम विच सेल टू विच सेल। ठीक है, ए दिया है और सेल बी ये दिया हुआ है, वही हमें डीपीडी निकाल लेते हैं। सेल ए के लिए जो डीपीडी कितना हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी, पीपी इज टीपी। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल इज स्ट्रगल पोटेंशियल, सो ये हो जाएगा माइनस 25। यहाँ पे अगर हम डीपीडी देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ओपी माइनस टीपी, ये हो जाएगा माइनस 20, सो दिस इज लो एंड दिस इज हाई, सो ए टू बी जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट। तो बहुत ही इजीली इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप यू लाइक दैट एंड प्लीज प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट बिलो। थैंक यू वंस अगेन फॉर विजिटिंग माय चैनल।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।